नमस्कार, ओम शांति। मैं हूं श्रेया और आप देख रहे हैं पीस न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। गुरुग्राम के ओम शांति रिट्रीट सेंटर का मना 20वां वार्षिक उत्सव। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत भव्य आयोजन, कई जानी मानी हस्तियां हुई शामिल। ब्रह्मकुमारी संस्था के सुरक्षा सेवा प्रभाग के सदस्यों ने सुरक्षा बल के जवानों को तनाव मुक्त रहने का दिया प्रशिक्षण। 1000 से भी अधिक जवान हुए लाभान्वित। पुणे के धनकवड़ी सेवा केंद्र द्वारा की जा रही ईश्वरी सेवाओं के पूरे हुए 25 वर्ष। सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन में विधायक भीमराव तपकीर समेत शामिल हुए शहर के कई चर्चित लोग। और कनाडा के वैंक्यूवर से चलाई जा रही ऑनलाइन सीरीज वैल्यूज वर्कशॉप सीरीज के 1 साल हुए पूरे। सेलिब्रेशन के लिए ऑनलाइन कनेक्ट हुई कई इंटरनेशनल स्पीकर। अब खबरें विस्तार से। गुरुग्राम के ओम शांति रिट्रीट सेंटर में आजादी का अमृत महोत्सव और ORC के 20 साल पूरे होने का सेलिब्रेशन बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। इस भव्य कार्यक्रम की थीम संपूर्ण स्वतंत्रता, सत्यता, स्वच्छता और सभ्यता थी। देश की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पर 75 सप्ताह पूर्व आजादी का अमृत महोत्सव शुरू हो चुका है। पूरे देश में यह महोत्सव मनाया जा रहा है। इसके लिए हर राज्य ने अपने अपने स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी हैं। वहीं गुरुग्राम के ओम शांति रिट्रीट सेंटर के 20 साल पूरे होने पर और आजादी अमृत महोत्सव के उपलक्ष में एक विशाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस सुंदर मौके पर CBI के पूर्व डायरेक्टर एवं राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के महानिदेशक डॉक्टर DR कार्तिकेयन ने संस्थान से जुड़े अपने अनुभव शेयर करते हुए कहा कि मेडिटेशन को आज दुनिया में फैलाने की जरूरत है, क्योंकि मेडिटेशन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो आज हर किसी के जीवन को मैजिकली बदल सकती है। I want to say meditation is medication because I have seen it happening. But then one great master, spiritual master said, no, meditation is better than medication. Then I have to change my title into meditation is miraculous. Brothers and sisters, I want to tell you, it is miraculous. वही गिनी की राजदूत फातोमाता बाल्डे की उपस्थिति ने भी कार्यक्रम में 4 चांद लगा दिए, जब एक अलग धर्म से नाता रखने वाली डिवाइन सोल ने भी ओम शांति करते हुए कहा कि गॉड इज वन और प्योरिटी पर मैं भी यकीन रखती हूँ। संस्थान की एकता को देख और ORC के सुंदर प्रांगण की वाइब्रेशन को महसूस कर मैं खुद को हर्षित महसूस कर रही हूँ। ओम शांति। I am ambassador of Republic of Guinea. I am woman. I am Muslim. But for me, God is one. इस मौके पर संस्थान के सदस्यों ने भी अपने विचारों में आज वर्तमान समय को देखते हुए स्वयं को कैसे हर प्रकार से अवेयर रखें इसकी शिक्षा दी। परमात्मा कहते हैं कि गोवर्धन पर्वत को उठाना है ना, हरकुलियन टास्क, कि ये दुनिया के अंदर जो एक पहाड़ है, हर एक चीज प्रॉब्लम क्या क्राइसिस की लेवल तक चली गई है, उसको उठाना है और उंगली से उठाना है, क्योंकि उठवाने वाला ऑलमाइटी गॉड है, उठाने वाले हम हैं। सामने हमारी टीचर्स, मैंने विशाल
गुलजार दादी की शक्ति सेना बैठी है, कितनी शक्तिशाली लगती है। आप सबको देख करके लगता है कि कोई शक्ति है दिल्ली में। तो ऐसी शक्ति सेना का एक एक का बहुत प्यार से स्वागत और अभिनंदन। कार्यक्रम का समापन अतिथियों को ईश्वरीय सौगात भेंट करने तथा शॉल पहनाकर सम्मान करने के साथ हुआ। ब्रह्म कुमारी संस्था का सुरक्षा सेवा प्रभाग देश के सुरक्षा बलों को तनाव मुक्त करने और उनके आध्यात्मिक सशक्तिकरण के लिए समय समय पर वर्कशॉप्स आयोजित करता ही रहता है। इसी के चलते दिल्ली के हरिनगर सेवा केंद्र और सुरक्षा सेवा प्रभाग द्वारा एक कार अभियान का आगाज किया गया। सुरक्षा सेवा प्रभाग की उपाध्यक्षा बीके शुक्ला के मार्गदर्शन में चलाए गए इस अभियान के अंतर्गत दिल्ली और NCR में 1000 से भी अधिक सुरक्षा बल के जवानों को तनाव मुक्त रहने का प्रशिक्षण दिया। इन वर्कशॉप्स के प्रमुख स्थान हैं नजफगढ़ CRPF बटालियन 200, दिल्ली राजा गार्डन स्थित होम गार्ड हेडक्वार्टर, महिपालपुर NCRB हेडक्वार्टर, दिल्ली जदोदा कलान स्थित पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज, दिल्ली शक्कुरपुर स्थित RPF कार्यालय, तिहार हेडक्वार्टर, तिहार जेल तमिलनाडु पुलिस ग्रुप, वजीराबाद स्थित त्रिपुरा स्टेट राइफल्स 3rd बटालियन। इन वर्कशॉप्स में प्रभाग के सदस्यों ने जवानों को बताया कि आप अपनी बिजी लाइफ में राजयोग मेडिटेशन का प्रयोग करके कैसे तनाव मुक्त रह सकते हैं। पुणे के धनकवड़ी सेवा केंद्र द्वारा की जा रही ईश्वरीय सेवाओं के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन प्रोग्राम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर विधायक भीमराव तपकीर, स्टैंडिंग कमेटी मेंबर सुभाष जगताप, ब्रह्म मुहूर्त केंद्र के दीपक महाराज, मीरा सोसाइटी सब जोन प्रभारी बी के सुनंदा, मीरा सोसाइटी सेवा केंद्र प्रभारी बी के नलिनी, वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बी के उषा, वरिष्ठ राजयोग शिक्षक बी के दशरथ शामिल हुए। सिल्वर जुबली के अलावा यह समारोह विश्व परिवर्तन भवन की दूसरी सालगिरह का भी था, जिसमें शामिल अतिथियों ने धनकवड़ी सेवा केंद्र द्वारा 25 सालों में की गई बेमिसाल सेवाओं की सराहना करते हुए भविष्य में और भी सेवाओं के विस्तार की शुभकामनाएं दी। 25 वर्ष दिनानिमित्त खरतर ज्यांचं भक्तिमय संदेश अपना सर्वांनाच या ठिकाणी मिळाला। जे दीदींचे आदर्श प्रेरणा जे विचार आहेत ते समाजात नेऊन चांगल्या पद्धतीने काम करू शकतो। आपल्या शुभेच्छा देऊनही गेलेले आहेत आणि आपल्या सगळ्या बीके परिवारामधले। असम में शिवसागर जिले के डेमो स्थित वर्ल्ड पीस रिट्रीट सेंटर की तीसरी सालगिरह पर विशाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर विधायक सुशांत बोरगोहिन, डेमो प्रेस क्लब के अध्यक्ष अजय गोगोई, वरिष्ठ पत्रकार सुमित कुमार, तीनसुखिया सब जोन प्रभारी बी के रजनी, डिब्रूगढ़ सेवा केंद्र प्रभारी बी के बिनीता समेत शहर के कई वरिष्ठ पत्रकार शामिल हुए। शुभारंभ के पश्चात आए अतिथियों ने ब्रह्म कुमारीज द्वारा की जा रही सामाजिक सेवाओं की जमकर सराहना करते हुए कहा कि एकमात्र ऐसा संगठन है जो दुनिया में शांति ला सकता है। अब कुछ खबरें एक नजर में। बेंगलुरु के संजय नगर सेवा केंद्र पर आध्यात्मिक उन्नति के लिए मेडिटेशन कार्यक्रम, सेवा केंद्र से जुड़े लोगों ने किया राज्यों का गहन अभ्यास, सेवा केंद्र प्रभारी बी के सोनी के मार्गदर्शन में आयोजित था कार्यक्रम। जनरल बिपिन रावत तथा अन्य शहीद हुई आत्माओं के प्रति दिल्ली के इंद्रपुरी सेवा केंद्र पर ध्यान योग साधना का आयोजन, बी के सदस्यों ने विशेष योग कर दी श्रद्धांजलि। संस्था के कई सेवा केंद्रों पर जनरल रावत जी के लिए योग साधना का सिलसिला जारी। अब खबर अंतर्राष्ट्रीय जगत की। कनाडा के वैंक्यूवर से चलाई जा रही ऑनलाइन सीरीज वैल्यूज वर्कशॉप सीरीज की फर्स्ट एनिवर्सरी के सेलिब्रेशन के लिए कई इंटरनेशनल स्पीकर, जिसमें न्यूयॉर्क की बीके गायत्री, यूके के बीके गोपी, टर्की के बीके योगेश, कनाडा के बीके एरिक ऑनलाइन कनेक्ट हुए। आइए सुनते हैं चर्चा के कुछ अंश। सो हाउ डू आई नो हाउ मच आई हैव इन मी दैट कैन ब्लूम एंड बिकम व्हाट माय अंडरस्टैंडिंग और प्रैक्टिस can project. Do you understand what I mean? Like I can sit down in meditation and say, yes, all the virtues are in me, but maybe they're not, because we're not the same and not everyone will be fitter. Physical silence, and it does mean honesty. Physical silence doesn't come without honesty at every level. Honesty with my food, honesty with exercise, honesty with my sleep,
honesty with my thought processes on something. हमें न्यूज भेजने के लिए peacenews@godlywoodstudio.org पर मेल करें और पीस न्यूज बुलेटिन देखने के लिए हमारे YouTube चैनल पीस न्यूज गॉडलीवुड को सब्सक्राइब करें। आज के बुलेटिन में बस इतना ही, और नई खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए लेती हूँ इजाजत। नमस्कार, ओम शांति।